जी वीरस, तो आज भी मुख्तलिफ सवालात का मजमू आया जो इस वक्त मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। लेकिन बस पानी मुझे थोड़ा सा दो प्लीज, तो उसके बाद पानी दे दे मुझे। जी तो वीरस, फिर आपसे जुड़ते हैं। आज भी ना मेरे जहन में बड़े ही मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे हैं, जिस तरह से आम नौजवान तबके जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और जामियात में पढ़ रहे हैं, उनके जहनों में वो गर्दिश कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, एक तो अपने फ्यूचर बिल्डिंग मैयर के हवाले से, दूसरा हिस्ट्री से वो काफ़ी कुछ ले रहे होते हैं। देखें, इब्राहम लिंकन ने, मतलब अगर आपके पास वसायल नहीं है और आप कुछ ग्रो करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, एक्सेप्शनली या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास लेम एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। ऐसी फजूलियात किस्म की फिलोसफी नहीं होनी चाहिए, ना कोई रैशनल होना चाहिए कि जो आपको आगे ले जाने में हर्डल बन सकता है, रोक रुकावट बन सकता है, बल्कि वो ऐसे आदर्श कि वो आपको आगे लेकर चला जाए। आपकी कल्पनाएं, आपके आदर्श, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स, आपकी बिल्डिंग मैयस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स ट्रेस करनी चाहिए। जॉन एफ कैंट का नाम किसने नहीं सुना, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आप देखें जॉर्ज वाशिंगटन का नाम, इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन के बारे में पता है आपको? आपको मैं बात बताऊं कि सिर्फ एक लैंप पोस्ट वहां पर हुआ करता था और उसकी रोशनी में वो पढ़ते थे, और दूसरा ये हुआ करता था कि वो आते जाते लोगों से पूछा करते थे, किसी से एक लेटर पूछ लिया, हर्फ पूछ लिया, किसी से एक, यार ये मुझे एक लफ्ज तो बताना, फिर उस बंदे से आगे ट्रांसफर करके, इस तरह से चेन रिएक्शंस के जरिए से ना उन्होंने अपने, यानी वो कैब को इकट्ठा किया और अपने नॉलेज को इनहेंस किया था। और देखें, द डे वुड कम, कि वो दिन आया कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे, और जिनकी फिलॉसफी जो है और अभी तक वो कायम है, और उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसीज स्टेट्स को दी और चाक आउट की और मैप आउट की और न जाने पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने बार। इसके बाद थॉमस एडिसन, ये अब जो लाइट्स हैं, ये फ्लैश ऑफ लाइट्स, थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए हम कहते पता नहीं धमाका हो गया या पता नहीं क्या क्यामत आ गई, हालांकि कुछ भी नहीं होता, हम आदि हो चुके हैं, बोलते हैं बुनियादी तौर पर, तो लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है जी, खासतौर पर डिवेलपिंग कंट्रीज में और अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज में। तो थॉमस एडिसन जो है ना, वो किसी इदारे में टेक नहीं पाया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जी इसको आप वहां ले जाए, इसको कहे, किसी ने कहा जी एम्प्लॉयमेंट इसको सिखाए, इसने पढ़ना पढ़ना कोई नहीं है, फलां हो गया, ये हो गया, तो उसके माँ बाप बड़े तंग आ गए जी। तो जब उसके माँ बाप तंग आ गए तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये बच्चा कहीं नहीं टिक रहा है, या तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, हमारी एक्सेस और अप्रोच से बाहर होता चला जा रहा है, या हमारे हाथों से निकलता है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज और गलत हरकत वहां पर करता है, ऐसी नेगेटिविटीज शो करता है कि हर बंदा हमें निगेट कर रहा है, वो ना कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसको कहीं एडमिशन ना दिया जाए। और आप देख लें कि वो उस बंदे ने ये इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है, ये जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ताना बाना है, इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिक है, ये उस बंदे ने जो है वो किया, और फिर बल्ब की इजाद हुई, रोशनी मिली, और दुनिया इस तरह से ताबा और रोशन हुई कि जिस तरह से होना चाहिए था। मैं वो दूसरी एक जो दुनिया के नूर की या कायनात के उस नूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी है इसकी बात कर रहा हूँ, और ये हमारे जो आर्टिफिशियल एक्सेस टूवर्ड्स ऑल द बल्ब्स एंड द अदर टेक्निक्स ऑफ, मतलब लाइटनिंग है, टेबल लैंप्स हैं, या दूसरी लाइट्स मौजूद हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप मार्टिन लूथर किंग को लें, तो कुछ बंदे थे जिन्होंने के प्लान किया था, बेसिक चाक आउट उनका ही था कि ब्लैक एंड व्हाइट के डिफरेंसेस जो है वो पूरी दुनिया से खत्म होने चाहिए, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज के गरीब लोग हैं और ये जो दुनिया के दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको बराबरी के राइट्स मिलने चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं होना चाहिए, और हमारा एक अपना मैग्ना कार्टा पूरी दुनिया का होना चाहिए कि जिससे जो है वो दुनिया जो है उसको राइट्स मिलने चाहिए, और प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए, बर्थ राइट मिलने चाहिए, और दुनिया जो है वो सफर ना करे, शिकार ना हो।
तो देखें फिर वो जैसे मजरू सुल्तानपुरी साहब का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां इस तरह से फिर नहीं बनते। देखें रिफॉर्मेशन हुई, बहुत बड़ा पीरियड, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया, एक ट्रांजिटरी फेज था फ्रॉम वन एज टू अनदर एज। और फिर मार्टिन लूथर किंग ने जनाब पैम्फलेट टीयरिंग की, पैम्फलेट्स फेंके, छपवाए, पब्लिश करवाए, बैन हुए, उन्होंने मतलब सजाएं काटी, जेलों में चले गए, स्पीचेस डिलीवर की, दूर उफ्तादा पैदल सफर किए, लोगों को मोटिवेट किया। उनके अंदर जो स्पार्कलिंग इंस्पिरेशनल सोर्स था एक ट्रू लाइट का, वो दिया, उनको एक नया पैगाम दिया, इंडिया दिया, और उनको इंडिकेट किया टुवर्ड्स द न्यू एवेन्यूज ऑफ लाइफ, टुवर्ड्स द न्यू फ्यूचर बिल्डिंग मैयर्स। तो इस तरह से फिर रिफॉर्मेशन हुई, फिर रेनेसांस का पीरियड आया, निशाते सानिया हुई। ठीक है, तो निशाते सानिया में फिर वो क्या होगा, एवरीथिंग वाज चेंज, एवरीथिंग हैड ब्रॉट इनटू मिरेकल चेंज एंड हैपनिंग्स। सो मिरेकल एक दिन में नहीं होते। फिर देखें कि उनका लिटरेचर को रिवाइज किया गया, उनके सिलेबस और करिकुलम को एजुकेशनली वो रिवाइज किया गया, और जो किसी तरह से मतलब है कि थ्योक्रेसी या इस किस्म के और बहुत सारी चीज़ें थी उनमें जितनी रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी थी वो लाई गई। बताने का मकसद ये है कि हिस्ट्री से आप कोई भी बंदा पकड़ लें, अरिस्टोटल का नाम आप देख लें, प्लेटो को आप देख लें, सोक्रेटिस को आप देख लें, और कई सारे ऐसे नाम हैं। ठीक है ना, वो एक दो वीडियो में मैंने पहले भी शेयर किया था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का वो सुक्रेट्स का था मेरे ख्याल में। तो दैट वाज अ वेरी स्प्लेंडेड स्टोरी, वन मास्टर एंजॉय दैट। सो आई थिंक के सबसे पहले तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। और ये जो कंसिडर करना है, दुनिया में गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब बढ़ना बहुत बुरी बात है। और जब हमारे लिम्स ज्वाइंट्स एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमें खाना पीना मिल रहा है, हम चल फिर रहे हैं, ये तो फिर हमारे लैम एक्सक्यूजेज होते हैं। फिर हम खुद जो है इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, ये नहीं कि मैं इससे अपने आप को एग्जेम्प्ट करता हूँ, बरी जिम्मा करार देता हूँ कि मैं अगर कुछ बन नहीं पाया, किसी खास मुकाम या स्टेज पर नहीं जा सका, तो इसमें मेरे खुद के फॉल्ट ज्यादा हैं। इट इज ट्रू दैट 100% एंड ट्रू कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांशियल फैक्टर्स भी थे जो बहुत ज्यादा थे इन अबंडेंस, बट मेरे में भी लैप्सेस और वैक्यूम्स इस किस्म के थे कि मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया है। सो मतलब टाइम जो वेस्टेज है, ये टाइम एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप रिकैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसको आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि टाइम फिर इमेमोरियल बन जाए रादर देन बिकमिंग द मेमोरियल। तो हमें हर लम्हे को मेमोरियल बनाते हुए एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा मैं दो तीन कोट्स अपनी वीडियोस में डालता हूँ और वो कहता हूँ कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एंड सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर हैज नो फादर्स एंड सिस्टर्स। और एक और चीज है कि इट इज गुड टू लूज विद ऑनेस्टी देन टू विन बाय फ्रॉड एंड चीट। दैट्स द लास्ट मैसेज ऑफ फ्रॉम मी फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।